हाँ जी, परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर चाहे आगंतुक महानुभाव, सभी के लिए दूसरे दिन की विमलेश चाहर की तरफ से, चौधरी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम राम है, राम राम जी। आदरणीय सज्जनों, आप सभी से बस यही करवत निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी, विनती करूंगी, अनुरोध करूंगी, आप सभी जिस तरीके से कल से चिकड़ी बहनों का आनंद लेते चले आ रहे हैं उसी तरीके से लेते रहिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है चार लाइनों में, बड़े सुंदर शब्द सजोए हैं कवि ने, और सुनिएगा गौर से, कहना भी हाजी कैसे। संग चले और पुत्र वही जो पिता के कि सूर वही जो रण से ना हटे और भैया वही जो की बांगे को कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो विपदि हरे को। एक बार चाहूंगी जितने भी श्रोतागण यहां बैठे हुए हैं, जिसको उस प्यारे प्रभु ने सुंदर सुंदर से दो हाथ दिए हैं, एक बार सभी सुस्ती को छोड़ करके और उनके चरणों में जोरदार जयकारा लगाएंगे दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करके, बोले भोले बाबा की। और आइएगा चलते हैं एक छोटी सी भवानी को लेकर समय के अनुसार, और बात उस समय की है जिस समय भगवान रामचंद्र ने बाण मार दिया किसके, बाली के। अब सुनिएगा भगवान श्री रामचंद्र जी से वो बाली अपने शब्दों में कह रहा है, और बड़े सुंदर शब्दों में कह रहा है, भैया जी कैसे। क्या कहा, हेर कैसे बली कहूं तुम्हें मैं और कैसे भली कहूं, क्या बात भैया, हेर कैसे भली कहूं तुम्हें मैं कैसे भली कहूं, क्यों वो धोखे से धोखे से मुझको मार दिया तुमने, कैसे बलि कहूं धोखे से, धोखे से मुझको मार दिया तुमने, कैसे बलि करिएगा, कहने लगा रामी भैया कैसे, बहुत अच्छे, क्या क्या दोस्त हमारा
पिताजी राजवीर सिंह जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करते हुए अध्यक्ष पुरस्कार। आदरणीय श्रीमान राजेंद्र सिंह ताऊ जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और एक सौ पुरस्कार हमारे एटम मैनपुरी से चल करके आए स्वनिर्भर प्रधान यादव जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज बहुत धन्यवाद कैसे क्या कहा सुनिएगा कहने लगा बोबाली चौपाई में तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया है लेकिन क्या कि कारण कमलनाथ मोई मारा क्यों अरे कारण कमलनाथ मोई मारा और मैं बैठी सुग्रीव प्यारा क्यों और कह रहा कैसे को वहीं लगाएंगे जहां कल मैंने अपने प्रश्न को छोड़ा था। गौर करिएगा दोनों रानियां भोले बाबा के शिवालय में हैं आपस में लड़ रही हैं। रानी गांधारी कुंती का जवाब दे रही है कुंती चाहे रानी बन जा चाहे महारानी बन जा लेकिन हमेशा मुझसे छोटी रहेगी। कुंती उसके मुंह की तरफ देख रही है कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी गांधारी कुंती सुन कि अब तक बहुत देख ली तेरी क्या कहा अब तक बहुत देख ली तेरी अब हर कुछ युद्ध ठने गोरे और कहने पूजा कर दुर्योधन अब युवराज ठने गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना क्या कहा काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना ये तो पहले ही है गई देरी और कुंती अब तार करेगी ना है। जब इतने सपनों को सुना रानी कुंती ने कहने लगी बहन गांधारी क्या कहा तूने तेरा पति अंधा है। गांधारी ने जवाब दिया कि हाँ मैं अब भी कहती हूं कि मेरा पति अंधा है
कुंती को हंसी आ गई, कहने लगी गांधारी तेरा पति तोंदा है, तू तोंदी नहीं है, जुबान को लगाम दे ले गांधारी। और अब सुनिएगा किस तरीके से रानी कुंती गांधारी को जवाब दे रही है। और कल मात्र एक झड़ हुई थी और कड़ी का आगे बढ़ा रही हूं, और सुनिएगा कड़ी की आ रही है मराठी साहब। और भैया जी कैसे क्या कहा, तेरे पति की क्या कहा, अरे तेरे पति की आंख गई तेरे आखन को पानी श्रीमान राजेश भैया दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है क्या, अरे मेरे पति ने राज चलायो, क्यों अरे मेरे पति ने राज चलायो, यह जगत जान रो सारो है, क्यों अरे पूजा पे भाई पूजा पे, क्या कहा अरे पूजा पे अधिकार मेरा के कन्हैया भर के बाहर है, पूजा पे अधिकार मेरा के कन्हैया भर के बाहर है। सुनिएगा दो लाइनों में कवि ने लिख दिया है, कहते हैं गाना वही गाना चाहिए जो कि गाना चाह रहे हैं, और भूले हुए को राह पे लाना ये कवियों का कार्य है। और सुनिएगा सुनने सुनाने लायक कोई चीज, धारण करने लायक बात, अपने मन में रखने लायक बात, और वो कौन सी है अब याद ही कैसे चाचा जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे, ऐसी कौन सी चीज है अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे, और जिसमें सीख बिरानी, और अरे वो घर नहीं बस सकता है, कौन सा अरे वो घर नहीं बस सकता जिसमें हर दम की चाहता नहीं, वो घर नहीं बस सकता जिसमें हर दम की चाहता नहीं, गौर करिएगा। इधर जब रानी गांधारी ने सुना इतने शब्दों को, कहने लगी कुंती तुझको ये विदित नहीं है, तुझको ये मालूम नहीं है, तुझको ये पता नहीं है कि मेरे 100 पुत्र और तेरे केवल 5 पुत्र, क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने। रानी कुंती खड़ी खड़ी देख रही है, कहने लगी गांधारी तेरे पुत्र और मेरे पुत्रों में कोई अंतर नहीं है,
मगर बात मेरे पुत्रों की है तो सुन और सुनिएगा जकड़ी का जो आजकल ढोला चल रहा है लंगड़ा ढोला हेंदे कोई दिक्कत ना है गौर करिएगा और कहना है कैसे क्या कहा गौर करिएगा इधर दोनों रानियां अच्छा जी क्या ये बड़े भाई टिंकू जी बांसी खुर्द वाले हैं और ये एक जोड़ी कपड़े दे रहे हैं मेरे लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत दिया बहुत बहुत धन्यवाद और सुनिएगा गौर करिएगा और अक्षय का पुरस्कार श्रीमान तुलाराम पहलवान जी देते हैं आशीर्वादी कामना करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और भैया इधर दोनों रानियां आपस में लड़ रही हैं झगड़ रही हैं विवाद कर रही हैं उनके विवाद को सुन करके भोले शंकर जी प्रकट हो गए और सुनिएगा दोनों रानियां लड़ कैसे रही हैं कैसे विवाद कर रही हैं और सुनिएगा उड़ान
ताऊ जी बहुत दिनों से गाते चले आ रहे हैं 3 ताल 16 मात्रा में उड़ान, लेकिन अब सुनियो नए जमाने की नई तर्ज। है तो पुरानी तर्ज लेकिन माता बहनों की फेवरेट हुआ करती है, पसंदीदा। अरे एक शुभ पुरस्कार आदरणीय महाराज जी दे रहे हैं मंदिर पर जो रहते हैं संत महात्मा, एक बार जोरदार ताली के साथ साथ दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा उड़ान क्या कह रही है, और भैया कैसे लड़ी सिवी जी के मंदिर में, हेरे लड़ी सिवी जी के मंदिर में भरी दो उनके अंदर में। नई बात नहीं है क्यों, देते ही
आपस में गारी और कोई सुन तो उनको धुंद क्या कोई सुन तो उनको धुंद सामने की खुली गई है बाबा साहब दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करती हूं और कहना भैया कलाकारों के लिए समय बराबर है समय जाता है गयो भैया